पता नहीं है बैकग्राउंड क्या है आपके नहीं, शो में? जो वो से नहीं, मैं खुल्लम छूट गाली दूंगी सीधे, समझे ना। आ रही हूँ मुंबई आ रही हूँ। अभी हम लोग पता क्या प्लान कर रहे हैं, इसको शो से अभी खींच लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं गिन्नी को। अब हम सोच रहे हैं कि अब छोड़े ही ना गिन्नी को। आपका क्या कहना है इस बारे में? सारे बॉलीवुड से हो चाहे हॉलीवुड से हो, कहाँ से हो ना, देखेंगे तुम्हारे में कितना दम है साले। अच्छे से मेरा मुझे अचानक से लिमिट क्रॉस हुआ है ना, बड़े बड़े लोग डरते हैं जिस नाम से ना, अभी तुमका उससे सामना होगा, ये याद रखना। अभी मुझे सुनो क्या हुआ, मुझे पैर जब तक पकड़ के माफी नहीं मांगोगे ना, छूटने वाले नहीं हो तुम, बस इतना। बेवकूफ ऑडियंस ने बेवकूफ लोगों को एक तो पॉपुलर कर दिया है। वो नहीं, इनको क्या लगता है किसी भी लड़की को अगर इसे लेम जोक से प्रॉब्लम नहीं होता तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? क्या गंदा उम्मीद नहीं था, नहीं मारे आप, अपने टेलीकास्ट भी किया, हम वहां तक भी चुके, आपने दोबारा ये रील बना करके बहुत बड़ी। ये तो साला ये पैसा पूसा भी नहीं दे रहे हैं ढंग का। अब जब से भाई ये वाली वीडियो वायरल हुई है तब से भाई एलविश यादव के जो फैंस है, बाहर का बात ही नहीं है, उल्टे खोपड़ी के आदमी घुटने में बुद्धि है क्या? अरे इसकी माँ बहन नहीं होगी, इसकी माँ बहन कोटे वाली होगी, बात खत्म, उसको अच्छा नहीं लगेगा। चुप रहो भैया, ये फालतू का बात बोल रहा है कि एलविश तेरा बाप, काहे बोल रहा है, क्यों बोलेगा? अरे वो बेवकूफ लोग, बेवकूफ है ना, हो जाएगा। हाँ बेवकूफ नहीं है, उसकी माँ बहन वही होगी, साले के बच्चे हैं ये साले। गेमिंग सोल, थैंक यू फॉर 100%। जिन बात है तुम काहे बोल रही हो फालतू का, क्यों? बिहार में तो गालियां देती है महिला छुट्टा तो स्वागत में गालियां देती हैं। यहाँ पे देखने वाले खाली बिहार के नहीं है, पैन इंडिया। हाँ पता है, इसीलिए मैं चुप भी हूँ। ये तो हमारे यहाँ तो राम जी तक को नहीं छोड़ते हैं भाई। कहाँ से बनाऊ, दिख ही नहीं रहा है यार, इतना सारा डाला, इसलिए थोड़ा लिमिट में। ज्यादा बाप बाप करोगे ना, मैं पेल दूंगी अच्छे से तुम्हारा बाप।